पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। कोई कच्चा नहीं बता रहा है क्यों का हालत में हमारे मदद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमारी की साल 2023 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म मिशन रानीगंज के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इंडिया में तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म अपने पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कमाई भी करने वाली। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ओवरसीज में इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म मिशन रानीगंज को ओवरसीज में लगभग 500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है और वहां पर भी ऑडियंस के द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, फिल्म को इंडिया के साथ साथ यूएसए और यूएई में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वहां से भी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई करने वाली। अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये फिल्म अपने पहले दिन आज ओवरसीज से लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक की कमाई कर सकती है, जो कि अक्षय कुमार की अभी की फिल्मों के हिसाब से काफी अच्छा कलेक्शन है। और आने वाले दिनों में सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का ओवरसीज में भी काफी अच्छा जंप देखा जाएगा और वहां से भी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई करने वाली। तो आप सभी को फिल्म मिशन रानीगंज कैसी लगी, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।